स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रिया शर्मा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो कि है सॉलिड स्टेट। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज एंड टाइप ऑफ सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पूरा मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि हमें सॉलिड की अभी पढ़नी है। तो देखिए, इस डायग्राम में हमें क्या दिखता है, जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, इनके बीच का गैप जो है, आपको मैं दिखाती हूँ, इनके बीच का जो गैप है ये बहुत ही कम है। ये गैप इनका कम क्यों है, क्योंकि इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये कैसा है, बहुत ही ज्यादा। तीर का निशान अगर ऊपर है तो मीन्स ज्यादा, और अगर नीचे है तो मीन्स कम। तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये एकदम पास पास है, अटैच है, और इसलिए ये काफी स्ट्रांग भी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई सॉलिड की, कि इनके बीच का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ये आपस में स्ट्रांगली अटैच होते हैं, स्ट्रांगली ज्वाइंट होते हैं। दूसरी बात करूं तो इनकी फिक्स शेप होती है, साइज होती है और वॉल्यूम होती है। इनका शेप भी फिक्स होता है, साइज भी फिक्स होता है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी होती है, कम। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हुआ कि किसी भी सॉलिड को क्या आप दबा सकते हो, नहीं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है बहुत ही कम होती है, ठीक है, एक्सेप्शन केस होते हैं, बट जनरली जो है कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की बहुत कम होती है। वही बात करूं कंप्रेसिबिलिटी के जस्ट उल्टा, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या हम इसे खींच सकते हैं, ये रबड़ तो है नहीं जो हम खींच पाए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है जनरली सॉलिड की वो क्या होती है, बहुत कम होती है, होती है कई केस में बट कम होती है, जनरली कम होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ही हाई होता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं सॉलिड के जो कि मैंने आपको क्विकली रिवाइज करवा दिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड के टाइप, के सॉलिड के टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टाइप कितने होते हैं। सॉलिड दो टाइप का होता है बेसिकली, टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो है दो टाइप का होता है मेनली, पहला टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पहला टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा टाइप है एमोर्फस सॉलिड, पहला टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमोर्फस सॉलिड। इनको पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि देखिए, सॉलिड जो है, चौक भी जो हम पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड में, जो हम चौक यूज करते हैं वो व्हाइट चौक, वो भी सॉलिड ही है, और एक मार्बल जो होता है वो भी क्या होता है, सॉलिड ही होता है। मार्बल और चौक एक ही कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टी में बहुत सारा डिफरेंस है। जैसे कि चौक को तो हम तोड़ सकते हैं बट मार्बल को तोड़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों आया, जबकि दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है। तो इसी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और इसका आपको कैसे पता चलेगा, जब मैं आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड दोनों के दोनों क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ना चौक की, तो चौक किस में आता है, किस क्राइटेरिया में आएगा, एमोर्फस सॉलिड। और अगर मैं बात करूं मार्बल की, तो मार्बल किस कैटेगरी में आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले हम इसके डिफरेंस जानेंगे और फिर समझेंगे। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का और लॉन्ग ऑर्डर, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, मतलब लॉन्ग रेंज तक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज के लिए होता है। मैं आपको डायग्राम की हेल्प से भी इसे समझाऊंगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका पॉइंट क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंसिक्वेंट पार्टिकल्स
फॉर शॉर्ट रेंज। देखो दोनों में डिफरेंस अभी समझने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न निकल के आता है, और ये जो पैटर्न होता है वो लॉन्ग रेंज के लिए होता है। मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है और ये है एमोर्फस का। अब देखिए दोनों में डिफरेंस, आप देख के बता दोगे कि ये तो क्या है, एकदम पैटर्न जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, कैसे भी रेंडमली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं और इसमें एक पैटर्न के जरिए जुड़े हुए हैं। तो आप इससे समझिए कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पर लॉन्ग रेंज में है, मतलब काफी टाइम तक जो है ये एकदम पैटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, और इसमें जुड़े हुए तो कई बार तो देखिए पैटर्न के साथ ये जुड़े हुए हैं लेकिन काफी ज्यादा टाइम तक नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, ये शॉर्ट रेंज के लिए जो है ये पैटर्न से जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से चौक जो होती है वो एमोर्फस सॉलिड के क्राइटेरिया में आती है। और वो इजीली क्यों टूट जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, बहुत ही शॉर्ट रेंज। तो देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, साथ ही साथ हम इसके डिफरेंस भी जो है समझते जा रहे हैं। पहला डिफरेंस हमने देख लिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो एक पैटर्न जनरेट करते हैं लॉन्ग ऑर्डर के लिए, और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि पैटर्न तो जनरेट होता है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट इसके डिफरेंस है और प्रॉपर्टी भी है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड, जबकि एमोर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ट्रू सॉलिड का मतलब क्या हुआ, ट्रू सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसे सॉलिड जो प्योरली सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। और अगर सूडो सॉलिड की बात करूं तो ऐसे सॉलिड जो कि कई मायनों में सॉलिड की प्रॉपर्टीज को पूरा नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पॉइंट पे बात करूं तो ग्लास की, हम जानते हैं हमारे घरों में ग्लास यूज होता है, ठीक है। अगर कोई ग्लास जो है ग्लास कांच का ग्लास की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कांच का ग्लास आपने सपोज टू भी बहुत टाइम के लिए 5-6 साल आप हो गए आपको एक घर में और ग्लास आपने कहीं पर लगाया हुआ है, तो आप देखोगे कि जो ग्लास के नीचे जो है मतलब नीचे की ओर विड्थ जो है यानी मोटाई बढ़ती जाती है और ऊपर का जो है पतला होता जाता है सीधा, मतलब ऊपर से तो वो पतला होता है और नीचे से क्या होता है, मोटा होता जाता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो ग्लास होता है वो फ्लो करता है ऊपर से नीचे की ओर, जबकि हमें पता है कि सॉलिड तो फ्लो करता ही नहीं है, फ्लो क्या करता है, लिक्विड फ्लो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो सूडो सॉलिड होता है, यानी वो सॉलिड तो दिखाई देता सॉलिड की तरह पर कुछ प्रॉपर्टीज उसके अंदर लिक्विड की तरह होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, सूडो सॉलिड। और इसलिए जो ग्लास होता है, ग्लास के नीचे की विड्थ जो होती है वो ज्यादा होती है जब हम बहुत टाइम उसे रखे रखे एक जगह हो जाता है, 5-6 साल जब हो जाती है तब हम देखते हैं कि भाई ऊपर से तो ये काफी पतला है और नीचे से ये मोटा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो फ्लो करता है ऊपर से नीचे की ओर। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, क्यों होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, एमोर्फस सॉलिड जो होता है वो सूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं उसको और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। इसका अच्छा सा एग्जांपल है ग्लास। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, इनके डिफरेंस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रॉपिक होता है इन नेचर, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है वो कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए अब क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो आप इस टर्म को देख लो कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि हम जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वहां पर हमें प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि जैसे यहाँ पर ये दो डायरेक्शन है, ये फोर डायरेक्शन है, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो यहां भी मुझे प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी, इस साइड जाऊं तो यहां भी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी, नीचे आऊं तो प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी और लेफ्ट साइड में जाऊं तो भी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं हम जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे वहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेगी, जबकि अगर मैं बात करूं आइसोट्रॉपिक की तो मतलब के सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप चले जाओ प्रॉपर्टी कैसी मिलेगी, सेम। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब आइसोट्रॉपिक का मतलब आपको पता चल चुका है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये इसको मैं अब आपको समझाती हूँ डायग्राम की हेल्प से।
देखिए ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये है एमॉर्फस सॉलिड। तो आप देखोगे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ, सपोज टू बी मैं जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स है इसका नाम दे देती हूँ, प्लस माइनस में डिफाइन करती हूँ, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस, फिर मैं इसे कहती हूँ ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसमें डिफाइन कर देते हैं प्लस माइनस, कैटायन एनायन तो आपस में जुड़े होते हैं ना, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस, फिर प्लस माइनस, प्लस, मैंने ऐसे ही रैंडमली इसको जोड़ दिया है। अब आप देख लो प्लस माइनस यानी कैटायन और एनायन आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो मुझे पहले सबसे पहले क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं सपोज टू भी मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन, तो पहले क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर मैं दोबारा इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये देखो कि मैं जिस भी डायरेक्शन में जा रही हूँ मुझे अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रही है, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मिल रहा है, तो अगर मैं इस मतलब डायगोनली जाऊं, तिरछी जाऊं, तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पर मुझे नहीं मिल रहा है ऐसा। या इस साइड से जा रही हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस माइनस माइनस, फिर मैंने दूसरी शिफ्ट चेंज करी तो प्लस प्लस प्लस, मतलब कि जिस भी डायरेक्शन में जा रही हूं मुझे प्रॉपर्टी डिफरेंट मिल रही है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर तो रैंडमली हमने जोड़ा हुआ है तो सब कुछ मिक्स है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हर डायरेक्शन पे जो है प्रॉपर्टी सेम है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल के जरिए सुनाती हूँ, समझाती हूँ कि अगर हम किसी भी शादी में अगर जाते हैं तो एक रो डिफाइंड हो कि भाई लेफ्ट साइड में तो जेंट्स बैठेंगे और राइट साइड में बैठेगी फीमेल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पैटर्न क्या हो गया, जनरेट हो गया, एकदम फिक्स पैटर्न हो गया। हम अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें जेंट्स दिखाई देंगे और राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगी, फीमेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई, यहाँ मेल यहाँ पर फीमेल। लेकिन एमॉर्फस में क्या है कि हमने कोई पैटर्न जनरेट नहीं कर रखा, राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी मेल फीमेल, लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी मेल फीमेल। तो मतलब कि यहाँ पर हर जगह सेम है प्रॉपर्टी, हर जगह सेम है क्योंकि हमने रैंडमली मॉलिक्यूल्स को जोड़ा है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनिस्ट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है सेम प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट एक, तो चलिए हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एकदम शार्प। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे 120 डिग्री सेल्सियस, कोई भी सपोज टू बी सॉलिड है और अगर वो क्रिस्टलाइन है तो वो फिक्स पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा। उसका डेफिनेट होता है कि वो फिक्स पॉइंट पे, सपोज टू बी कोई सॉलिड होता होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेल्ट हो रहा है तो वो एग्जैक्टली मेल्ट हो जाएगा, कोई भी रेंज यहां पर नहीं होगी। जबकि अगर मैं बात करूं एमॉर्फस की तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, रेंज में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, ठीक है, मतलब कि एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसी रेंज में होता है। सपोज टू बी प्लास्टिक को अगर आप जो है जलाते हो तो पहले वो नरम होगा, ठीक है, फिर वो जलेगा और वो भी फिक्स, मतलब एक पॉइंट पे वो पूरा नहीं पिघलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो किसी रेंज में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। मैंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल लिया है, ये फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एकदम शार्प, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो चीज जो है मेल्ट हो जाएगी। और अगर बात करूं एमॉर्फस की तो ये एक रेंज होती है इनकी, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो वो भी किसी रेंज में ही पिघलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो इसका एकदम शार्प रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो है NaCl। हम जानते हैं हमारे घरों में NaCl होता है, यानी नमक, नॉर्मल नमक, क्वार्ट्ज, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर एमॉर्फस की बात करूं तो रबर, ग्लास, ये दोनों क्या हुए इसके एग्जाम्पल। तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीजें आज के लेक्चर में समझ आई हो। अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।